क्या गठबंधन के दबाव में बिहार आंध्र को मिलेगा विशेष दर्जा? एनडीए सरकार में साझेदार जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पारित एक प्रस्ताव के चलते राज्यों को स्पेशल कैटेगरी देने का मुद्दा फिर गर्म हो गया है। पिछड़ेपन, ज्यादा आदिवासी आबादी और कम राजस्व का हवाला देकर बिहार, ओडिशा और आंध्र प्रदेश सहित कई राज्य लंबे समय से स्पेशल स्टेटस की मांग करते रहे हैं। 14वां फाइनेंस कमीशन काफी पहले ये सलाह दे चुका है कि इस कैटेगरी में अब किसी राज्य को ना जोड़ा जाए और पिछले कार्यकाल तक मोदी सरकार भी इसी का हवाला देकर मांग ठुकरा रही थी, लेकिन अब वह जेडीयू और आंध्र की टीडीपी के समर्थन पर टिकी है। लिहाजा स्पेशल स्टेटस का मुद्दा ट्रिकी हो गया है, क्योंकि इसी मुद्दे पर आंध्र के मौजूदा सीएम चंद्रबाबू नायडू 2018 में एनडीए से अलग हो गए थे। क्या है स्पेशल कैटेगरी? स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का किस्सा आजादी के बाद के दूसरे दशक में शुरू हुआ, जब केंद्र सरकार ने महसूस किया कि विकास के दौर में पिछड़ रहे कुछ राज्यों को सहारा देना होगा। योजना आयोग के उपाध्यक्ष डीआर गाडगिल के फॉर्मूले पर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की व्यवस्था की गई। इसमें पहाड़ी राज्यों, ज्यादा आदिवासी आबादी वाले राज्यों, सीमावर्ती राज्यों, आर्थिक और बुनियादी ढांचे के लिहाज से पिछड़े राज्यों और ऐसे राज्यों पर विचार किया गया जो अपने लिए पर्याप्त राजस्व की व्यवस्था न कर पाते हों। शुरू में जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को दर्जा मिला। अभी उत्तराखंड, अरुणाचल, हिमाचल, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा सहित 11 राज्य इस लिस्ट में हैं। क्या फायदा है? स्पेशल कैटेगरी वाले राज्यों को केंद्र से ज़्यादा वित्तीय मदद मिलती है। इन राज्यों में केंद्रीय योजनाओं के लिए 90% फंड केंद्र देता है और 10% फंड ही राज्य को देना होता है। बचा हुआ फंड अगले साल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे राज्यों में ये रेशियो 60:40 का होता है। विशेष दर्जे वाले राज्यों को कुछ प्रोजेक्ट्स में अलग से भी मदद मिलती है। 14वें फाइनेंस कमीशन ने स्पेशल कैटेगरी लिस्ट में और राज्यों को न जोड़ने की सलाह दी थी। केंद्र इसी सलाह का हवाला देता रहता है। क्या कहते हैं अर्थशास्त्री? इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के सीनियर इकोनॉमिस्ट डॉक्टर सारथी आचार्य कहते हैं कि बिहार में पिछले 3 दशकों से गवर्नेंस ठीक नहीं है। जब तक गवर्नेंस ठीक नहीं होगा, स्पेशल स्टेट्स देने या स्पेशल पैकेज देने से बात नहीं बनने वाली। जहां तक आंध्र प्रदेश का मामला है तो उसे सबसे ज्यादा राजस्व हैदराबाद से मिलता था और वह उसके हाथ से चला गया, लिहाजा उसे स्पेशल स्टेट्स की जरूरत है। वहीं वरिष्ठ अर्थशास्त्री अभिजीत मुखोपाध्याय का कहना है कि सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पैमानों पर बिहार, बंगाल या ओडिशा की मांग जायज है। आंध्र प्रदेश पिछड़ा नहीं है। विभाजन के बाद तेलंगाना को मदद की जरूरत ज्यादा है। केंद्र पर अधिक वित्तीय बोझ नहीं आएगा क्योंकि टैक्स रेवेन्यू रिकॉर्ड रफ्तार से बढ़ रहा है। वैसे भी कोई राज्य पिछड़ रहा हो तो मदद की जिम्मेदारी केंद्र की है, क्योंकि वह सबका अभिभावक है।